भाई का पतंग देखो वहां पे ग्रीन वाला, बड़ा वाला काटो भाई, बड़ा वाला भाई ने बड़ा। ब्रो लगता है पूरा गुजरात इधर आ गया है, पूरा गुजरात देख रहे हो कहां कहां से लोग आए हुए, कितने सारी पब्लिक है गाइस। देखो यार कहां तक है, देखो कहां तक है भाई। बाइक की इधर से, अच्छा यहां से परचेज की। हाँ। तो महंगी दे रहे हैं कि सस्ती दे रहे हैं? नॉर्मल सस्ती, नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, हाँ। तो मतलब पतंग आप जैसे ही चढ़ा रहे हो तो कितनी देर में कट जा रही है? मैक्सिमम 1 मिनट। yeah. 1 मिनट में भाई साहब संडे का दिन और आज हम लोग जाने वाले हैं, एक्चुअली मैं आधे रास्ते पहुंच गए और अभी हम लोग पहुंचे हुए तारापुर। आपको पूरी स्टोरी पहले मैं बता देता हूँ, सॉरी गाइस मैंने स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट नहीं की अहमदाबाद निकलने से पहले। तो जो हमारा काइट फेस्टिवल होता है 14 जनवरी को पूरे गुजरात में मनाया जाता है, देन उसके बाद जो पहला संडे आता है तो उस संडे को खंभात जो अहमदाबाद से 88 किलोमीटर दूर है वहाँ पे काइट फेस्टिवल काफ़ी बड़ी तादाद में मनाया जाता है, काफ़ी मतलब हर गुजरात के हर एक लोग वहाँ पे आते हैं। तो अहमदाबाद से मैं और साकिब आ चुके हैं, मतलब अभी तारापुर पहुँचे हुए हैं और अभी यहाँ से हमारा 25 किलोमीटर और बाकी है। और यहाँ पे जो हमारी बाइक देख रहे हो ना गाइस, ये बाइक काफ़ी ज़बरदस्त है, इससे हमने आधा रास्ता काट दिया मालूम भी नहीं पड़ा। और यहाँ पे साकिब देखो चाय पी रहे हैं भाई। बाइक बाइक से आने में मजा है या कार से? भाई अपने तो राइडर्स है तो बाइक में सबसे ज्यादा मजा आया, बाइक से सबसे ज्यादा मजा आया ना, इतना स्मूथ राइड था ना, लाइक पता ही नहीं चला व्हाट हमने 40 किलोमीटर कैसे काट लिया। 40 नहीं ब्रो अभी 25 बचा, 88 किलोमीटर था। ओके हां अभी देखो यहां पे भाई साहब फोटो खिंचा रहे, चाय पीते फिर निकलते हैं यहां से खंभात के लिए। और रोड वगैरह थोड़ा सही है यहाँ का, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर आना चाहते हो तो आ जाओ, पूरा वीडियो देखो मजा आएगी आपको, डायरेक्ट हम बात पहुंच के आपसे बात करते हैं। यहाँ का जो नजारा है रास्ते में जाने का भाई गजब है, औसम है। नारियल के पेड़ आप लोग ने देखे ना क्या लुक आ रहा है। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, 2 किलोमीटर यहाँ से हमारा खंभात है, बस फटाफट पहुँच जाएं और रिटर्न में अगर जल्दी होगा तो रील्स भी बना लेंगे यहाँ पे रिटर्न में। अभी फटाफट निकलते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं लेकिन अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हमारी बाइक जा नहीं सकती, तो यहाँ पे हमको कुछ मिल गए हैं कुछ लोग जिन्होंने हमारी बाइक यहाँ पे रखने का ऑप्शन दे दिया है। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करवा सकते हो। थैंक यू दादी बाइक पार्क करवाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारी बाइक पार्क हो गई है, अभी अंदर चल रहे हैं। अंदर यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा और साकिब अपना काम चालू रखा है, देखो ये गिम्बल वगैरह इसने लगा लिया है। ठीक है तो चलते हैं ब्रो। हाँ और ये तीनों हमारे छोकरे मतलब इन्होंने हमारी बाइक लगवाई है यहाँ पे, तो मिलते हैं भाई। भाई ट्रैफिक देखो यार कितना सारा है, पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से 2 किलोमीटर और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट पहुँचते हैं। साकिब सर कुछ कहना चाहेंगे? यार हम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। हाँ और भाई अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हैं और ये तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, आगे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ ठीक है देखो। लेकिन मेन मैदान में मतलब जो दरिया किनारा है गाइस, दरिया किनारा यार अहमदाबाद में होना चाहिए था, और धूल इतनी उड़ रही है ना कि भाई सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मास्क वगैरह आप लोग लेके आना जब भी आओ। तो साकिब भाई किधर गए? हाँ मैं आपको अभी मेन लोकेशन दिखाऊँगा, मतलब कितने लोग हैं भाई, मतलब काइट को मजाक में मतलब काइट है ही एक चीज, क्या बोलता था कि? बिल्कुल डेफिनेटली देखो दूर दूर से पब्लिक आ रखी है, ऐसा नहीं है सिर्फ खंभात के लोग हैं, पूरे गुजरात से, पूरे गुजरात से आई होगी। हाँ मैं पब्लिक दिखाता हूँ आपको। और भाई पतंग देखो भाई,
नजारा देख सकते हो गाइस, गजब है। चल रहे अंदर और भाई भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आप लोग आओगे यहाँ पे तो देखो मास्क वगैरह लेके आना और थोड़ा धूल वगैरह से बचना। और बहुत ज्यादा पब्लिक है और मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। खंबात की उत्तरायण मैंने तो बहुत सुना था पहले, लेकिन ये फेस टू फेस देखना आप लोगों को भी जरूरी है। तो अंदर चलते हैं बीच मैदान में जाके, फिर वहाँ से पतंग वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। चलो तो गाइस मेरे पीछे नजारा देख सकते हो आप लोग। साकिब तेरे को कैसा लग रहा है? Awesome, bro. Awesome लग रहा है ना। तो अभी और अंदर पता नहीं कितना अंदर जाना पड़ेगा, अंदर क्या चीज है। चलो यार चलते, बहुत मजा आ रही है, आ जाओ। ब्रो लगता है पूरा गुजरात इधर आ गया है, पूरा गुजरात देख रहे हो कहां-कहां से लोग आए हुए, कितने सारी पब्लिक है गाइस। देखो यार कहां तक है, देखो कहां तक है भाई। और अभी फिलहाल देखें तो 10,000 से ज्यादा पतंग उड़ रही है यहाँ पे, 10,000 से ज्यादा पतंग भाई, गजब सीन है। अब हम लोग को मालूम नहीं कि हमको कवर अप कैसे करना है आज की वीडियो, बट जरूरी है, हम लोग कवर अप करके दिखाएंगे। पतंग वगैरह कुछ लेके तो आए नहीं है, तो देखते हैं उड़ाते हैं कैसे। और फिलहाल ये जो यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए हैं ना, देखो ये भाई दरिया है, ठीक है, दरिया किनारा है, यहाँ पे शायद नमक वमक बनता होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते क्या सीन है, एकदम लास्ट में चलेंगे। चलो साकिब पहले जा रहा है, अबे कूद जा यार। चलो ये साकिब तो गया, अभी हमारी बारी। पैर में देख रहे हो कितनी सारी दोरियां हैं। तो आ जाओ, हाँ देख रहे हो काइट फेस्टिवल। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कवर कर तो रहा है, बट इस पे मुझे लाइक चाहिए। अभी काइट फेस्टिवल जा चुका है, बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक और बनाया जाए वीडियो जबरदस्त वाला। तो यार तुम्हारे भाई को चाहिए लाइक, फटाफट 5,000 से ज़्यादा लाइक कंप्लीट करवा दो, और प्यार करते हो तो यार 300 के सब्सक्राइबर भी करवा दो। मेरे पीछे आगे पीछे चारों तरफ मतलब पूरे गुजरात से लोग आए हुए, तो मज़ा आ रही है गाइस। और यही बीच में से हम लोग कवर करेंगे सारा सीन, और देखते हैं किसी से पतंग वगैरह मांग के उड़ाने को मिलती कि नहीं। और यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो ना तो गला वगैरह बचा के अपना काम करना जो भी करना है, ठीक है। चलो तो गाइस कभी इस टाइप की काइट फेस्टिवल आपने कहीं देखी है? अब ये जो है पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात, पूरे सूरत, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और भाई अमेजिंग भाई, इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतनी ज़्यादा कि यहाँ पे चलना मुश्किल है। और मैं एकदम बीच में खड़ा हूँ देख सकते हो, और यहाँ पे हर कोई अपनी पतंग वगैरह लेके आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होने के बाद मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ नया ट्राई किया जाए, पतंग वगैरह तो हमको मिली नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इंटरव्यू ले लिया जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ मैम है, मैम कहाँ से आए हो आप? I'm from अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद से आए हो, मतलब हमारी तरह 88 किलोमीटर अहमदाबाद से आए हुए। तो मैम हर साल आते हो कि पहली बार आए हो? नहीं फर्स्ट टाइम आए। कैसा फील हो रहा है? Excellent, it's amazing experience. Yeah. मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक्चुअली, मैं बताऊँ। और अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल को फेमस मैंने किया हुआ है, और 300 के सब्सक्राइबर्स भी हैं। हाँ। और काइट फेस्टिवल बहुत मजा आता है। तो आप लोग अपनी काइट खुद लेके आए या? नहीं लेके आए, लेकिन सब खत्म हो गई एक ही सब खत्म हो गई। अच्छा मतलब जैसे ही आप काइट बाय की इधर से, अच्छा यहाँ से परचेज की। हाँ। तो महंगी दे रहे हैं कि सस्ती दे रहे हैं? नॉर्मल। तो मतलब पतंग आप जैसे ही चढ़ा रहे हो तो कितनी देर में कट जा रही है? मैक्सिमम 1 मिनट। एक मिनट में भाई साहब, तो ज्यादातर यहाँ पे जो लोग है चाइनीज मांजा लेके आए होंगे, तो यार देखो चाइनीज मांजा तो बैन करना चाहिए। देखो फर्स्ट थिंग
उससे तुम लोग काट लोगे, लेकिन फिर मजा ही क्या है पतंग उड़ाने में। यार मांझा वगैरह लेके आओ, ये देखो भाई चली हो, मेरी 15 मिनट पतंग चली। तो ये कौन सा मांझा है? कॉटन वाला है ना, साकलाट। मैंने कोट्स ब्रांड का एक वीडियो बनाया था। क्या बात है, किसके वहाँ घसाया था आपने? रायपुर में, जो रायपुर का वीडियो मैंने बनाया था वहां से इसको घसाया हुआ है। तो गाइस आप लोग कॉटन का मांझा यूज करो। मैम बोल दीजिए थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए। Please subscribe this channel. Okay, thank you so much, मैम अपना टाइम देने के लिए। अभी मैम को देखो पीछे कितनी पब्लिक है, ये भी देख लिया करो यार कभी कभी आप लोग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। किन्नो में से जा रहा है नहीं यार भाई, किन्नो में से तो गाइस यहाँ पे हमको दो भाई मिले जो आए हुए हैं एक्चुअली में अहमदाबाद से। और भाई यहाँ पे कब से आए हो? अभी टाइमिंग 2 घंटे से। दो घंटे से आए हो, कितनी पतंग लेके आए थे? हम लोग यहाँ 20-25 पतंग लेकर आए। देखो उनकी थैली के अंदर पन्नी की सारी पतंग पड़ी हुई है। भाई एक बताओ, पतंग आप उड़ा रहे हो, काट रहे हो या कटवा रहे हो? दोनों हो रहा है, ज्यादा काट रहे हैं कटवा भी रहे। ज्यादा काट रहे कटवा भी रहे, कटवा कम रहे, कटवा कम रहे। भाई गजब सीन है। और ये भाई अभी देखो यार मेन चीज क्या है यहाँ पे, भाई अभी तक तो हमने दो पतंग तो लूट लिए और यहाँ पे लूटने वालों की तादाद ज्यादा है, उड़ाने वालों की तादाद कम है। भाई ये बताओ अहमदाबाद में ज्यादा मजा आता है पतंग उड़ाने में फैमिली के साथ या अकेले? यहाँ पे यहाँ मजा आता है अकेले में, पब्लिक भी ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है, गेदर पैसे भी होती है, कटिंग भी हो रही है। अभी मैं दिखाता हूँ भाई किस तरीके से खींचेंगे। भाई की पतंग उड़ाने की टेक्निक ही अलग है। भाई एक बार काट के दिखाओ पतंग, भाई का पतंग देखो वहाँ पे ग्रीन वाला, बड़ा वाला काटो भाई, बड़ा वाला। भाई ने बड़ा वाला काट दिया है, ठीक है अभी और काटते भाई, मजा आ रहा है, गजब मजा आ रहा है, और काटते। अभी हमारा आंखों डायरेक्ट ग्रीन वाला एकदम ऊपर उड़ रहा है। ले लो भाई ले लो, ये येलो वाले को ले लो। बे यार ये इनका पतंग कट गया एक्चुअली में, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। देख रहे हो कितनी सेकंड, कितनी सेकंड, 15 सेकंड के अंदर एक पतंग कटा और एक पतंग कटवाया। चलो भाई थैंक यू सो मच। अभी और चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो हम लोग आज की एंड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मज़ा किया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आई हुई थी। तो तुम्हारे भाई को इस वीडियो पे चाहिए बहुत सारी लाइक। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो भाई पिछले साल पूरे ग्रुप के साथ मैं वापस से खंबात आऊँगा आप लोगों के लिए। और सच में बताओ वीडियो देख के आपको कैसी मज़ा आई मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और अभी 26 जनवरी आने वाली है गाइस, एंड 26 जनवरी को भी हम लोग काइट फेस्टिवल मतलब रिवर फ्रंट पर, अगर किसी को आना हो तो 26 जनवरी को हम लोग काइट उड़ाने वाले हैं रिवर फ्रंट पे, तो वहाँ पे भी आ सकते हो गाइस। यहाँ पे आप लोग कभी भी आओ, सेफ्टी के साथ आओ। अहमदाबाद से आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ आओ, बाइक से आ रहे हो तो हेलमेट पहन के आओ, कार से आ रहे हो तो सीट बेल्ट लगा के आओ, मतलब सारी सुविधा होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप खुद की पतंग और फिरकी लेके आओ, चाइनीज मांझा बिल्कुल मत लाना। तो ये वीडियो भाई वीडियो बनाने से ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे इन्जॉय करने में मज़ा आ गया, खाने पीने की चीज़ सारी एक नंबर और आने का रास्ता भी एक नंबर। ऐसे निकलते हैं सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकलते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पे गाइस मतलब मैंने एक रील बनाया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त, आप लोग देख लेना। और एक रील गई हमारी मिलियन पे तो वो भी देख लेना। तो गाइस इस वीडियो पे मेरे को 5000 से ज़्यादा लाइक चाहिए, बहुत मेहनत लगी है, बहुत दूर आया और बहुत ही मतलब पेट्रोल वगैरह लगा, पैसा वगैरह सब लगा दिया सिर्फ आप लोगों को मज़े दिलाने के लिए। तो बस गाइस अभी निकलते हैं और थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे और फिर सीधा सीधा आराम से घर जाएंगे। और तकरीबन 2 घंटे लगेंगे हमको पहुंचने में घर, और अभी बज रहे हैं 6:08 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलना आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, कल ऑफिस सी यू नेक्स्ट वीडियो।